देखिए, पेरिस ओलंपिक से मनु भाकर अब आज भारत आ रही हैं। पहली बार दो ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अपने नाम किए हैं। और ये देखिए लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये विजुअल्स जो अभी आप ये काली गाड़ी में देख रहे हैं, जो ड्राइव कर रहे हैं वो मनु भाकर की फैमिली है। वो उनके माता और पिता हैं जो मनु भाकर को दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए हैं। और उनके पीछे लगातार आप तमाम आवाज़ सुन सकते हैं, तमाम ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि मनु भाकर ने जो इतिहास रचा है ये सेलिब्रेशन बनता है। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मेडल जीतने के बाद पहली बार भारतीय सरजमी पर उतर रही हैं। वो ऐतिहासिक पल आप सब देख पाएंगे, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मनु भाकर एकमात्र भारतीय एथलीट पूरे इतिहास में बनी है जिन्होंने सिंगल एडिशन में दो ब्रॉन्ज मेडल या कोई भी मेडल्स सिंगल एडिशन में दो मेडल्स जीते हैं, अपने नाम किए हैं। और ये गाड़ी में आप देख सकते हैं मनु भाकर के पेरेंट्स, मनु भाकर की माता, मनु भाकर के पिताजी, वो आए हैं यहाँ पर एयरपोर्ट पर मनु भाकर को रिसीव करने, जिनके पीछे लगातार लोग उनसे बातचीत करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, वो खुशियाँ मनाना चाहते हैं। और मनु भाकर के पिता लगातार मीडिया से लगातार बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं अपनी खुशियों को, इमोशंस को बयां कर रहे हैं। और ये देखिए गाड़ी से उतरते हुए यहाँ पर मनु भाकर के पिता जो लगातार इस वक्त मीडिया से घिरे हुए हैं, क्योंकि और घिरना भी चाहिए, क्योंकि जो मेटी ने कमाल किया है पेरिस ओलंपिक्स 2024 में वो शानदार है। मनु भाकर थोड़ी देर में, और ये उनके पिताजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और उस साइड गाड़ी के सीधे उस पार आप देख सकते हैं मनु भाकर की माता, और थोड़ी ही देर में आपको मनु भाकर यहाँ पर दिखाई देंगी जब वो पेरिस ओलंपिक से पहली मर्तबा मेडल जीतकर ब्रॉन्ज मेडल लेकर भारतीय सरजमी पर उतरेंगी। क्योंकि सिंगल ओलंपिक्स एडिशन में, एक ओलंपिक्स में दो मेडल जीतने वाली सिंगल एडिशन में पहली भारतीय महिला बनी हैं मनु भाकर। तीसरा मेडल भी आ सकता था, मेडल्स की हैट्रिक भी लग सकती थी, लेकिन वहां पर 25 मीटर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर चूक गई। वहां पर चौथा स्थान उन्होंने हासिल किया है, और ये अब वो क्षण है जहां पर मनु भाकर आपको थोड़ी ही देर में दिखाई देंगी। उनके पेरेंट्स, उनके माता और पिता देखिए अब अंदर जा चुके हैं। ये वीआईपी गेट है टर्मिनल 3 पर, जहां से मनु भाकर का अराइवल होगा भारतीय सरजमी पर। और बता दें आपको दोबारा से एक बारी कि मनु भाकर फिर से पेरिस जाएंगी, क्योंकि क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर भारतीय दस्ते की यहां पर क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर हैं, यानी मनु भाकर के माता पिता बंदर जा चुके हैं। और अब थोड़ी ही देर में आपको यहां पर मनु भाकर दिखाई देंगी अपने कोच जसपाल राणा से। जसपाल राणा की भी फैमिली यहां पर आई हुई है, मनु भाकर के पेरेंट्स अंदर जा चुके हैं, और अब मनु भाकर का इंतजार है सबको कि मनु भाकर कब आएंगी और कब वो दो ब्रॉन्ज मेडल्स हमारे भारतीय सरजमी पर आएंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.